जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी विद्याएं जो चमत्कारिक हैं। वैसे तो तंत्र में विद्याओं का कोई अंत नहीं है, तंत्र विद्याओं का कहें तो गढ़ है। विद्याएं अनंत हैं तंत्र में, फिर भी हम आपको 10 ऐसी विद्याएं बताएंगे जो काफ़ी चमत्कारिक विद्या हैं। जो कोई विद्या बहुत सरल है तो इसमें कई विद्याएं ऐसी हैं जो बहुत ही कठिन हैं। वैसे तो यह दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है, इनके रहस्यों को सुलझाना असंभव है। फिर भी मन में एक सवाल उठता है कि शायद कुछ बातें ऐसी हो जिन्हें सुलझाया जा सके। तो चलिए कुछ बातों को बताते हैं। ऐसी विद्याएं हैं जो लोगों को रहस्यमयी तरीके से चकित करती आई हैं, और आपने इनके बारे में शायद एक आध विद्या के बारे में सुना भी हो। 10 रहस्यमयी विद्याओं के बारे में जिसे जानकर यह रोमांचित हो उठेंगे। शायद आप भी ऐसी विद्याएं सीखना चाहेंगे जिनमें से कुछ को प्राप्त करना बहुत ही आसान है तो कुछ को बहुत ही प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। हालांकि मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ कि यह वीडियो सामान्य जानकारी हेतु है। अगर आपको इसमें किसी भी विद्या में वीडियो चाहिए तो आप हमसे कमेंट में कहें, हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहली विद्या के बारे में। पहली विद्या आपकी है इंद्रजाल विद्या। इंद्रजाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप अगर तंत्र के बारे में थोड़ी भी रुचि है या नॉलेज रखते हैं या जानकारी रखते हैं तो इंद्रजाल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जब तंत्र की बात आए और इंद्रजाल की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इंद्रजाल का अर्थ होता है जादू टोना या भ्रम। इंद्र का अर्थ होता है जादू टोना या भ्रम। जाल का अर्थ होता है करने की प्रक्रिया। जादू टोना करने की प्रक्रिया को इंद्रजाल कहा जाता है। इंद्रजाल को मायावी विद्या भी कहा जाता है। इसमें तंत्र मंत्र यंत्र जोड़े जाते हैं। कई लोग तो इसे काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारण और मोहन से भी जोड़ते हैं। हालांकि फारसी में इसे तिलस्म कहा जाता है। कुछ लोग इसे काला जादू भी मानते हैं। यह शब्द इंद्रजाल भारत में बहुत ही प्रचलित है जो जादू के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में इस विद्या के कारण भारत को विश्व में पहचाना जाता था। देश विदेश के लोग यह विद्या सीखने आते थे। आज पश्चिम में तरह तरह के जादू विद्या लोकप्रिय हैं तो इसका कारण यह है भारत का ज्ञान। इंद्रजाल जैसी विद्या चमका देने वाली विद्या है। आजकल भी भाषा में इसे भ्रमजाल कहा जाता है। जादू का खेल भी इसी विद्या से किया जाता है। मदारी भी इसी विद्या का काम उपयोग करते हैं। सर्कस में भी इसी विद्या का उपयोग किया जाता है। सड़क पर जादू दिखाने वाले बाजीगर अन्य आदि लोग इंद्रजालिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का दुरुपयोग हुआ था। युद्ध में विजय, धर्म में विस्तार, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, कई लोगों का नुकसान पहुँचाने के लिए, वशीकरण से किसी को भस्म करने के लिए, मारण से किसी को मारने के लिए, मोहन से किसी को सम्मोहित करने के लिए आदि क्रमों में इसका उपयोग बुरा कर या गया। फिर भी यह विद्या खासकर लोगों में बहुत काफ़ी प्रचलित हुई। तो दूसरे नंबर पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक और विद्या के बारे में। नंबर 2 प्लैंचिट अर्थात भूतों से बात करने की विद्या। भूतों से बात करने की विद्या मतलब आत्माओं से बात करने की विद्या। यह सबसे खतरनाक विद्या है। इसे किसी जानकार के सानिध्य अर्थात उनके सामने या उनके रहते हुए ही करना चाहिए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। प्राचीन सभ्यताओं में काल से ही अर्थात प्राचीन काल से ही आत्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से जीवन से जुड़ी सच्चाई, जीवन से जुड़ी समस्याएँ, विभिन्न प्रकार के रोग, जड़ी बूटियों के लिए उपचार के लिए आदि कामों के लिए यह विद्याएं प्रचुर मात्रा में की जाती थी। कभी आपने सोचा है कि एक मनुष्य इतना विकसित कैसे हो सकता है? यही विद्याएं थी जो मनुष्य को भौतिक शास्त्र का अर्थात भौतिकी का, रसायन शास्त्र का अर्थात रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आदि प्रचुर मात्राओं में ज्ञान दिया जाता था। यही भूत विद्याएँ अर्थात प्लैंचिट अर्थात आत्माओं के जरिए इन विद्याओं का अध्ययन किया जाता था। जड़ी बूटी विज्ञान,
अथर्वेद। ऐसा माना जाता है कि जो आयुर्वेद है वो श्री धन्वंतरी देवते उनके जरिए दिया गया था। ऐसी विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ इन्हीं से दी जाती थी। आत्मा को बुलाने की विद्या को आजकल प्लेन चिट कहा जाता है। यह आत्मा को बुलाने का विज्ञान है। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्मा जिन्हें शांति प्राप्त नहीं होती है वे प्लेन चिट के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी दे देती हैं। आपको अपनी परेशानियों को हल भी इससे कर सकते हैं, पर संभल कर, इसमें खतरे बहुत ज़्यादा हैं। आप जान की जोखिम भी दे सकते हैं, इसीलिए सानिध्य या गुरु के आगे ही प्रयोग को करें। नंबर तीसरी आती है आपकी सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या, अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। यह प्राचीन काल से ही प्राण विद्या का हिस्सा रहा है। सम्मोहन के बारे में कोई हर कोई जानना चाहता है, लेकिन यह जानकारी के अभाव से इसको समझ नहीं पाता है। प्राचीन काल से ही सम्मोहन विद्या को प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। सम्मोहन विद्या का अर्थ आमतौर पर वशीकरण से लिया जाता है, वशीकरण अर्थात किसी को वश में करने की विद्या, जबकि सम्मोहन विद्या की प्रतिष्ठा को गिराने की बात है। वशीकरण और सम्मोहन दोनों ही अलग विद्या हैं। अगर आप यह चाहते हैं तो हम इसे विस्तार में डिस्कस कर देंगे। मन में कई स्तर होते हैं, यह हमें अच्छी तरह से पता है। मन में एक आदिम आत्मचेतन मन होता है। आदिम आत्मचेतन मन ना तो विचार करता है और ना ही निर्णय लेता है। उक्त मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। यह मन हमारे होने वाले अचानक हुए खतरों को या बेचैन करने वाले तरीकों से बचाता है। यह छठी ग्रंथि कह सकते हैं इसको। यह हमारे अभाव अर्थात भविष्य भूत वर्तमान में घटित हुई घटनाओं को यह समझ जाता है। यह मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। कभी आपने सोचा है जब आप एकांत कमरे में या एकांत शांत इलाके में खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है आपको कोई देख रहा है। जब पीछे से मुड़कर देखते हो तो कुछ ऐसा होता है। कभी छत पर टहलो या किधर बैठो एकांत शांति में तो आपको लगता है कोई देख रहा है। जब देखते हो तो वाकई में आपको कोई देखता है। यही आत्म आदिम आत्मचेतन मन का कमाल होता है। इसमें अगर कोई महारत हासिल कर ले तो सम्मोहन विद्या या प्राण विद्या को सीख सकता है। हमें होने वाली बीमारियों की यह 6 माह पूर्व ही सूचना दे देता है। अगर कोई इंसान इसके बारे में गहन अध्ययन करे तो स्वस्थ रह सकता है। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम मन की अनसुनी बातें कर देते हैं। उक्त मन में साधना सम्मोहन की होती है, अर्थात कभी कभी हमें ऐसा लगता है कुछ बातें कि बुरा घटित होने वाला या फिर यह काम करने से हमें लाभ होगा, पर हम विज्ञान की और चलती हुई समाज के कारण उन बातों को अनसुना मान लेते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि इस कार्य को नहीं करना चाहिए, और जब हम करते हैं तो वह कार्य वास्तव में ही अनहोनी हो जाता है। इसलिए ऐसी विद्याओं का प्रणन बहुत ही प्रचुर मात्रा में रहा है। यह वीडियो लंबा हो सकता है, पर घबराए नहीं, हम आपको एक एक बात डिटेल से बताएंगे। सम्मोहन विद्या द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव, दृष्टि मात्र से उत्पन्न होने वाले संकल्प को पूर्ण करने ला, इसके विचारों से तैली फैती अर्थात दूसरे की बातों को कोसों दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात करना, मन ही मन बात करना, दूसरे के मनोभाव को ज्ञात करना, अदृश्य वस्तु या आत्मा को दूरस्थ स्थितियों को देखना और काम इससे किए जाते हैं, इनसे आत्माएं देखी जा सकती हैं। चलिए इसी प्रकार बात करते हैं चौथे नंबर की। नंबर 4, शरीर से बाहर निकलना। इसे लूसिड ड्रीमिंग नाम से भी जाना जाता है, पर यह विद्या काफ़ी प्राचीन विद्या है। यह शरीर से बाहर निकलकर घूमना फिरना और फिर शरीर में आ जाना, यह सचमुच रोमांचक अनुभव हो जाता है, लेकिन हमें जान जाने के खतरे भी बेचैन कर देते हैं। यदि इस विद्या की पूर्ण जानकारी ना हो तो इसे नहीं करना चाहिए, इससे जान का जोखिम बहुत रहता है। भारत में बहुत से साधु संतों के किस्से पढ़ने को मिलते हैं जो शरीर से बाहर निकलकर पल भर में कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं, लोगों को चकित कर देते हैं। हालांकि ऐसे वह कैसे करते हैं, ये विशेष कार्य से ही करते हैं, इसकी जानकारी अभी पूर्ण नहीं है। माना जाता है कि इस विद्या को सीखने के लिए यम नियम प्राणायाम और ध्यान का पालन करने के बाद योग निद्रा काल में शरीर से बाहर निकला जाता है। जब ध्यान की अवस्था गहराई में लगे तब योग निद्रा काल में शरीर से बाहर निकला जा सकता है। इस दौरान यह एहसास हो रहेगा कि आप स्थूल शरीर से सो रहा है तथा प्रारंभिक अर्ध सपने जैसी स्थिति रहती है, जैसा लगता है कि हम सो रहे हैं और हमें सपना लग रहा है, पर हम वास्तव में अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं।
ऐसा योगी और ऋषियों का कहना है, यह कितना सत्य है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। योगी ऋषि यही कहते हैं कि आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकलने से पहले एक सुरक्षित स्थान पर सोया जाता है जहाँ शरीर की सुरक्षा हो, जहाँ शरीर को कोई छुए ना। आप चौकी भी बांध सकते हैं, चौकी बांधने से अदृश्य शक्तियाँ, बुरे विचार और गंदी मलिन शक्तियाँ आपसे दूर रहेंगी, आपका शरीर को कष्ट नहीं पहुँचाएंगी। इसके अलावा सोने की स्थिति भी निर्धारित होती है। जब व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकलता है तो वह सूक्ष्म शरीर से विचरण करता है। माना जाता है कि ऐसे में उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की नाभि से जुड़ जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारे जो स्थूल शरीर अर्थात जो फिजिकल बॉडी है ना, उसकी नाभि से निकलती हुई जाता है। वेद अनुसार स्थूल शरीर की सत्ता को अन्नमय कोश कहते हैं और सूक्ष्म शरीर की सत्ता को प्राणमय और मनोमय कोश कहते हैं। जब ध्यान और योग से संपन्न चेतना अपनी चेष्टा के स्थूल शरीर से मनमय कोश अर्थात मनोमय कोश में प्रवेश आकार करती है, तब पूर्णतः पूर्ण रूप शरीर सूक्ष्म शरीर से जुड़कर इस संसार में कहीं भी वायु मार्ग से विचरित कर सकती है। यह विद्या की कुछ सामान्य जानकारी थी। अगली विद्या आती है चौकी बांधना। आपने बहुत सारे बारों में बातों को सुना होगा, अक्सर काम बंजारे गडरिए आदिवासी लोग करते हैं। वैसे अपने किसी जानवर या बच्चे की रक्षा करने के लिए चौकी देते हैं। जैसे गडरिए अपनी किसी बच्चे को पेड़ की छांव में लिटा देता है और उसके आसपास छड़ी से गोल लकीर खींच देता है, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाकर चौकी बांध देते हैं। उनके इस प्रयोग से उक्त गोले में कोई भी बिच्छू जानवर या कोई भी बुरी नीयत वाला व्यक्ति नहीं आ सकता है। आपने देखा होगा कि जो बंजारे लोग होते हैं अपने धरती पर अपने बच्चे को कहीं भी डाल देते हैं, उनको सांप बिच्छू कांतर कोई नहीं खाता है। वह चौकी की मंत्र की प्रक्रिया होती है। उल्लेख यह भी है कि यह प्रयोग लक्ष्मण ने जब सीता माता की सुरक्षा के लिए किया था, जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। दरअसल चौकी बांधने का प्रयोग कई राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा करने के लिए भी करते रहे हैं। आज भी उनका खजाना इसी कारण से सुरक्षित भी है। रावण ने तो अपने पूरे संपूर्ण महल की चौकी बांध रखी थी। चौकी बांधने में कई तरीके हैं। चौकी किसी भी देवी देवता की बांधी जाती है या नाग महाराज की बांधी जाती है, उनके नाम से चौकी बांधी जाती है। वो हमारी विशेष वस्तु की रक्षा करते हैं। चौकी भैरव और दस महाविद्याओं की भी बांधी जाती है। कुछ लोग भूत प्रेत की चौकी बांधते हैं तो कुछ नगर देवताओं की चौकी बांधते हैं। कहते हैं कि कई घड़े खजाने की चौकी बांधी हुई है और उन्हें पाना उन देवताओं से लड़ने के बराबर होता है। माना जाता है कि बंजारे आदिवासी पिंडारी समाज के लोग अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास मंत्र तंत्र द्वारा नाग की चौकी, भूत की चौकी आदि बैठा देते हैं, जिससे कोई भी इंसान उसको खोद नहीं पाता है। अगर इस किसी को उसका पता भी चल जाता है, वो खोदने में सक्षम भी हो जाता है, तो उसका पाला या उसका सामना एक नाग या भूत या प्रेत या फिर कहें माया जिन्न इनसे होने लग जाता है और वह कष्ट में पड़ जाते हैं। नंबर 6, प्राण विद्या। प्राण विद्या के अंतर्गत स्पर्श चिकित्सा, काल त्रिकालदर्शिता, सम्मोहन, टेलीपैथी, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्ण जन्म का ज्ञान होना, दूर श्रवण या दृश्य को देखकर आदि विद्याएं शामिल हैं। प्राण विद्या एक अलग ही टॉपिक है, आप चाहें तो हम इसमें एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा प्राण विद्या में हमें आज कई चमत्कार देखने मिलते हैं, जैसे किसी ने अपने शरीर पर ट्रक चला लिया, किसी ने अपनी भुजाओं के बल पर प्लेन को उड़ने से रोक दिया, कोई जल के अंदर बगैर सांस लिए घंटों तक रह रहा है, किसी ने खुद को एक सप्ताह तक भूमि में दबा रखा है। यह सब प्राण विद्या के ही उदाहरण हैं। किसी प्राण विद्या के बल पर किसी ने रातों रात सातों ताले बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने मुक्त हो गया तालों से। कोई किसी का भूत भविष्य वर्तमान आदि बताने में सक्षम है, तो कोई किसी की नज़र बांध कर जेब या नोट गायब कर देता है। इसी प्राण विद्या के बल पर कोई किसी को स्वस्थ कर सकता है, जिसे रेखी विद्या या अन्य हीलिंग, टेलीपैथी, रेखी, सम्मोहन अलग अलग नामों से भी प्राण विद्या प्रचलित है। यह सब प्राण विद्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो कोई किसी को जीवित भी कर सकता है, हाँ प्राण विद्या किसी को जीवित भी कर सकती है, पर यह वो विशेष तरीके होते हैं जिनको हमें नहीं पता या हम बताना नहीं चाहते हैं। इनके अलावा ऐसे हैरतअंगेज कारनामे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है,
उन्हें भी हम प्राण विद्या की तरफ से कर सकते हैं। भारतीय प्राचीन विद्या को साधने से ही सक्षम हो पाते हैं। आज भी वस्तु और ज्योतिष ज्ञान रखने वाले कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे प्राण विद्याओं को कर हैरत में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं हम आपको नंबर 6-7 अर्थ अंतर ध्यान विद्या। अंतर ध्यान विद्या, आप इसे गायब होने की शक्ति भी कह सकते हैं। विज्ञान अभी इस तरह की शक्ति पर काम कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में व्यक्ति गायब होने की तकनीक प्राप्त कर सके। योग अनुसार कामयाब रूप से संयम करने पर योगी अंतर ध्यान हो जाता है। कोई भी योग उक्त योगी के शब्द स्पर्श गंध रस को नहीं जान सकता, अर्थात वो भौतिक जगत से बिल्कुल स्थूल रूप से गायब हो जाता है। यह अंतर ध्यान में शक्ति कहते हैं या अंतर ध्यान विद्या कहते हैं। संयम करने का अर्थ यह होता है कि किसी पर काबू करना। हर उस शक्ति को जो आपके मन से उपजी है, अर्थात देखा जाए तो यह एक शरीर और यह दुनिया एक माया है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर काबू करता है तो इस सृष्टि की सारी वस्तुओं पर वो काबू कर कर इस सृष्टि में जो भी कर सकता है, जो वह चाहे। यदि आप यह कल्पना लगातार करते जाएं कि लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो यह संभव होने लगेगा। कल्पना यह भी की जा सकती है कि मेरा शरीर पारदर्शी कांच के समान बन गया है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, नहीं सुना है तो हम बता दें, हम इसकी डिटेल वीडियो बना देंगे। या उसे सूक्ष्म शरीर से ढक लिया गया है, या यह धारणा की शक्ति का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं कल्पना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कल्पना की शक्ति को पहचानो। अगर आप चाहते हैं कि हम भगवान शंकर के बारे में विज्ञान भैरव तंत्र को डिटेल से सरल तरीके से आगे बढ़ाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने प्रत्येक विज्ञान भैरव की 112 विधियों का वर्णन करने का सोचा है। आप हमसे जुड़े रहें और लाभ पाते रहें। नंबर 8 आपकी आती पूर्व जन्म को ज्ञान करने की विद्या। हाँ जी दोस्तों, जब हमारा शरीर एक स्थिर चित्त का हो जाता है, अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र हो जाता है, सांसों में स्थिर होने लगता है, तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण अर्थात हम किस जाति से हैं, मनुष्य की किस योनि से हैं, हमारे कितने जन्म हुए हैं, यह जाति स्मरण है। जाति का किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति से संबंध नहीं है। जाति स्मरण के प्रयोग से ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोएं, अर्थात जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं, तो आंखें बंद करके उल्टा क्रम में अपनी दिनचर्या को घटनाक्रम को उल्टा सोचते जाएं। जैसे मैं सोने से पहले मैंने क्या किया था, सोने से पहले मैंने खाना खाया, खाना खाने से पहले मैं टहल के आया, टहल के आने से पहले मैंने इनसे बात की, उनसे बात की, ऐसी प्रक्रियाओं करते करते आप सुबह तक आइए कि मैं सुबह जब जगा तो मैं क्या करा। तो दिन की जो उल्टी घड़ी की तरह आपको सब कुछ सोचना है। ऐसा करते रहें, तब तक करते रहें जब तक आपको सुबह के उठने तक की याद ना आ जाए। ऐसे करते करते सो जाएं, दिनचर्या को यह क्रम बनाएं और लगातार करते जाएं। जब ध्यान में ऐसे कुछ आती स्मरण का अभ्यास आप करते रहेंगे तो कुछ माह बाद या कुछ महीने बाद, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना पूर्ण विश्वास है। कुछों को महीने लगते हैं तो कुछों को साल लग जाती हैं, तो कुछ को 8 दिन या 15 दिन में असर दिखने लगता है। यह प्रक्रिया आजमाई हुई है, इन लोगों को मैंने काफ़ी देखा है जो इन बातों का दावा करते हैं। मैं आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी, वह आपके साथ नए नए पिछले जन्म के अनुभव जागने के द्वारा द्वार भी खुलने लगेंगे। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। आप चाहें तो पुनर्जन्म की विद्या को डिटेल से सर्व कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं आपको कौन सी विद्या अच्छी लगी है, हम उसी विद्या के बारे में डिटेल से जानकारी बना देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को शेयर करें। नंबर हमारा नाइन आता है, वो है त्रिकालदर्शी बनना, अर्थात त्रिकालदर्शी विद्या। भूत भविष्य और वर्तमान की सभी गतिविधियों को जान लेना ही त्रिकालदर्शी ज्ञान होता है। किसी व्यक्ति को देखकर उसके अतीत के बारे में भविष्य के बारे में बता देना ही त्रिकालदर्शी होता है। इसे सर्वज्ञ शक्ति भी कहते हैं। बुद्धि और पुरुष में पार्थक ज्ञान संपन्न योग को दृश्य जो दिखाई ना दे और दृष्टा जो देखने वाला है में भेद करता है, अर्थात बुद्धि और पुरुष में पार्थ जो दिखता है और जो दिखाई ना दे उस दोनों में भेद हो जाता है। ऐसी योगी संपूर्ण भावों का स्वामी तथा सभी विषयों का ज्ञाता हो जाता है। भूत और भविष्य का ज्ञान होना बहुत ही आसान है, पर शर्त यह है कि व्यक्ति अपने मन पर काबू पाए, मन के सब विचारों से मुक्त हो जाए,
अपने आप ही त्रिकालदर्शी या सर्वज्ञ योगी ये शब्द सुने तो होंगे। इसमें कोई भी त्रिकालदर्शी बन सकता है। इसकी साधारण उदाहरण हम ये देना चाहते हैं, अपने सांसों पर ध्यान दें, विचारों को दूर कर दें और मन पर काबू पाएं। आपको ये प्रक्रिया अगर डिटेल में चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, हम इसको बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। नंबर 10 आपकी आती है मृत संजीवनी विद्या। इसका उल्लेख बहुत सुना है, जब गणेश जी का सिर जब भगवान शिव ने काट दिया था तो उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। शंकर जी ने जब दक्ष प्रजापति का सिर काटा था तो उनके सिर पर बकरे का सिर लगा दिया था, उन्हें जीवन दान कर दिया था। इसी विद्या के द्वारा ही जीवित किया गया था। यह विद्या असुरों में असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य को याद थी। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में हारे हुए या मरे हुए सैनिकों को स्वस्थ और जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने ही रक्तबीज नामक राक्षस को मृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंदों से संपूर्ण देह की उत्पन्न कराने की विद्या सिखाई थी। यही संजीव विद्या का उदाहरण था। कहते हैं कि मृत्युंजय मंत्र भी संजीवनी विद्या को सिद्ध कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ और मार्कंडेय और गुरु द्रोणाचार्य मृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता थे। उन लोगों का मानना था कि मृत्युंजय मंत्र भी मृत संजीवनी विद्या से कम नहीं है। मृत संजीवनी नाम एक जड़ी बूटी भी मिलती है जो हिमालय के पर्वतों में कही जाती है कि आज भी है। संजीवनी विद्या नाम से जड़ी बूटी होती है, इनके प्रयोग से भी मरे लोगों को जिंदा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज यह थी तंत्र की 10 ऐसी विद्याएं जो सामान्य भी हैं और अनचाही भी हैं, जो खतरे से भी गिरी हुई और नहीं हैं। अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर इन विद्याओं में से आपको कोई भी विद्या पर इंटरेस्ट है या आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।